ओम शांति। आज की तारीख है 2/11/22 और आज की ज्ञान मुरली है। हर एक जब इस जीवन में अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कोई ना कोई मंजिल निश्चित करते हैं और मंजिल पर पहुंचने के लिए हर एक को किसी न किसी की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए। तो यहाँ स्वयं शिव पिता हमारे मार्गदर्शक बन हमें मार्ग प्रदर्शना करते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे शिव बाबा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे अब श्री मत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप संगम युग पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर है, बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध में बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन खींचता और ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली है तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते, मृत्यु लोक माना अभी जो कलयुगी पुरानी दुनिया है जहाँ जन्म जीवन और मृत्यु चलता है, तो ये बाबा कहते मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। नंबर दो है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब ब्रह्मों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान सतगुरु बाबा का, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। जितनी भी बाबा पॉइंट्स सुनाते हैं वो सब किस लिए? कि हम अपनी स्वस्थिति यानी पॉइंट स्वरूप में स्थित रह सकें। पॉइंट रूप में स्थित रहें तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का
सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा युग। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव भी करते रहेंगे। स्लोगन है स्नेह, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।